ए ड्राइवर, आज तक ब्रेक नहीं मार सकता क्या? ये सिग्नल का बल्ब फ्यूज नहीं होता है क्या? क्या कमाल का है इसका बड़ा झुमका, कब लगाएगी ये मेरे साथ ठुमका? काय झाला? मला प्रेम झाला। ऐलो, मुंबई की हवा लगता है इसको प्यार हो गया। पहली बार लग रहा है कि आज सिग्नल खुले ही नहीं। फर्स्ट टाइम लाइफ में कोपचे में वीरान पड़ा हुआ दिल फुदक कर अंगड़ाई लेकर मचल रहा है। ओहो। बीवी, लाल दुपट्टा, प्रदूषण में भी स्वच्छता की देवी, आई लव यू। जॉब नहीं दिया। ए जल्दी जल्दी ऑटो ए चल चल चल, चारों गियर एक साथ लगा। लेकिन भाई मैंने तीन गियर किए। भगा भगा, तू तो तेज भगा। वो है लेकर सिग्नल से मेरा मेल करा दो, सिग्नल से मेरा मेल करा दो। जल्दी भगा, जल्दी भगा, जल्दी टकले। डर के मैंने आंखें बंद कर ली थी। अभी सांसें बंद हो जाती तो बाइक रिपेयर करने चलते हैं। अबे टकलिया, भाड़ खाओ, नीचे उतर, उतर तेरी। ए ऑटो ड्राइवर से कैसे बात करते हैं पता नहीं है क्या? देख क्या किया तूने? क्या किया? नंबर प्लेट और बैक लाइट नहीं लगवा लेना, मना किसने किया? अरे बेचारी स्कूटी घायल हो गई। देखो क्या कर दिया, तू ये वाली रख ले और मुझे नई दिला दे। सिर्फ 150 रुपए में सब ठीक हो जाएगा। ऑटो कुछ ज्यादा दिमाग पे जा रहा है। अरे तेरे खटारे को पुलिस स्टेशन लेके जा रही हूँ, चार दिन देती हूँ, नई लाना और ये ले जाना, समझा गया? भाड़ा मिले तो बैठा लेना। किराया तो देके जा, जल्दी आओ। मार किधर है? छोटे आदमी को सका रहे हो तुम लोग, पाप लगेगा। मैडम क्या हुआ बे, मुझ पे लाइन मार रहा है? रुक, देखो ओवरटेक करती हूँ। यही है गरीबों का सारा नाला सोपारा। उस लुखे से एड्रेस पूछ। भाई एड्रेस बताना जरा। अरे बताना ये एड्रेस। अरे ये मुंबई में कोई एड्रेस नहीं पता था। सामने बोलते है। सामने ए पबजी बाद में खेल चल। घर लेते समय बकरी की तरह मय करते और किराए देते समय शेर की तरह धाड़ते है। ए मेरे रास्ते में साड़ी किसने डाली? सुखाने के लिए डाली। अच्छा ले, हमेशा के लिए सुखा दिया। अरे चप्पल ब्रांडेड पहनते और भाड़ा देने के लिए पैसा नहीं? सर दोस्तों में इज्जत है, चिल्लाओ मत ना। सांस लेने की औकात नहीं और लोगों को खाना खिला रहा है। लुंगी में कॉकरोच छोड़ूंगा। एक चड्डी डोसा बना रहा है। सर कोर्ट में केस लड़ने जाना है, चड्डी गीली है, सुखा रहा हूँ। एक ही चड्डी है क्या? केस जीत गया तो अगले महीने चार ले लूंगा। पैंट बेच के खरीद ले। पैंट में भी होल है सर। अरे ये तो भोकुड़ बकरे की तरह खा रहा है। अबे बीच में सांस भी ले ले। गलत जगह अटक गया ना तो ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ेगा। अबे भूर क्या रहा है, एक दूंगा रेसबेरी बाहर आ जाएगी। ये हैदराबाद का नाला सुपारे के प्लेटफॉर्म पे मेरा नींबू पानी बिकता है, बता दे उसे। यहाँ ज्यादा होशियारी की तो नींबू पानी निकाल दूंगा। अरे तो इडली के बाद दो ग्लास भेजो, नमक कम शक्कर ज्यादा। मेरी माँ ने बनाया है, बोलती है तू खाएगा पिएगा तभी तो गुंडों को पकड़ पाएगा। बचपन से ही मेरा पुलिस बनने का सपना था।
गांव से मैं कल ही आया और पर्स चोरी हो गई। सिर्फ 20 रुपए थे, इसलिए इडली ले लिया। दो इडली में हो जाएगा? ये इडली विडली छोड़, ये ले ये खा, देसी घी से बनाए। तू भी ले यार। सर, पुलिस सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट। क्या मेरिट लिस्ट? सर टेबल पे रख दे। तू अपनी लिस्ट निकाल। सर पक्या को अंदर बुला। ये पक्या। सलाम भाई, बॉडी में जान है, पुलिस बनने का अरमान है। सीआई बनना है या आईपीएस? आईपीएस भी चलेगा अपन को। लेकिन इसके पास डिग्री कहाँ है सर? आप उनके पास पैसा है। एक काम करो, इसके नाम से बिलासपुर यूनिवर्सिटी से जाली सर्टिफिकेट बना लो। ठीक है सर। 25 लाख लगेगा। परवाह नहीं। पोस्टिंग कहाँ चाहिए तुझे? बोले तो जिधर ज्यादा माल मिले उधर। उसका 25 लाख एक्स्ट्रा। कोई वादा नहीं। सही है, ऐसे बनते हैं पुलिस। ये फाइल जला दे। वर्दी में मिलता हूँ। ठीक है ठीक। जलाने का काम मैं कर देता हूँ, मुझे दो। कह देना कि शॉर्ट सर्किट में जल गई और जला देना। लो पकड़ो, आ रहा हूँ भाई। यार रवि, तू झूठ इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल लेता है? व्हाट्सएप पे अपन ने स्टेटस पढ़ा है, अगर झूठ भी बोलो ना तो फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस की ओवर कॉन्फिडेंस। मैं केस लड़के आता हूँ, तुम लोग लड़ाई मत करना। खिसक ना मैन, चल। और खिसक खिसक। थक गया रे बापू। क्या बिल्टअप है, जैसे काम वाली चाय का ट्रेल आती है वैसा ही लग रहा है ना। बीच में चाय की केतली है और आजू बाजू कप सासर। बेटा। बोला बड़े बाबा। तुम्हें नहीं, अपने बेटे को बुलाया है। शायद उसने सुना नहीं, मेरे को बोलिए क्या मांगता। टाइम क्या हुआ है? ए, 5 बजकर। तय कोर्ट क्यों आ रहे? अगर कोर्ट ना आऊं तो फिर कहां जाऊं मैं? पुलिस तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखने को तैयार ही नहीं है। कोर्ट का सहारा ना मिला तो जीते जी मर जाएंगे हम लोग। तो जी का भी क्या करेगा? हमारे देश की परंपरा है कि बुजुर्गों के चरण दबाते हैं, गला नहीं। गुंडों से हार गया तो रवि दे जा रही। बी पॉजिटिव। गला दबाएगा? ए, ए, चलो चलो निकलो। नहीं हो सकता। मधु यादव दूसरा कॉल। कॉल पे बिजी है सर। लास्ट बार बोल रहा हूँ मधु यादव। कॉल ड्रॉप सर। अगर तुम जैसी औलाद मिले तो ना पुलिस स्टेशन की जरूरत पड़े और ना ही कोर्ट की। तुम तो वाकई मेरे बेटे से बढ़कर हो। सरकारी दफ्तर से लेकर सुलभ शौचालय तक लूट मची हुई है बेटा, तुझे ही कुछ करना होगा। ए, नहीं नहीं, सीनियर सिटीजन की बात सुन के अच्छाई की बीन मत बजाने लग जाना। चुप कर गंगा। बी पॉजिटिव। भैया, अगर देश का नौजवान आप जैसा हो जाए तो कोई लड़की बेसहारा नहीं रहेगी। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमारे अपने हो। उसने बोला लाइक भेज, मैंने दिया एक चमाट खींच के। भाव, तुमसे मिलने बुड्ढा पार्टी आई ली है। नमस्कार बेटा। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे जैसा समझा है इसलिए मदद मांगने आए हैं। बाप बेटे से मदद नहीं मांगा करते। ऑर्डर करो। रिटायरमेंट से मिले पैसों को हमने हाउसिंग स्कीम में लगाया, लेकिन वो घर की बजाय वहाँ मॉल बना रहे हैं। बैंक मैनेजर हमें पैसे नहीं दे रहा। पुलिस हमारा केस रजिस्टर ही नहीं कर रही है बाबू। बिल्डर हमें कोर्ट जाने से रोकता है। इस उम्र में कहाँ जाएंगे बेटा, ना पैसे बचे हैं ना ही रहने को घर है। तुम ही हमारी मदद कर सकते हो बेटा। रख लो बेटा। कहाँ से लाए? मेरी पेंशन के पैसे है बेटा। ये बहुत कम है। बेटा, मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। हाँ बेटा। वो रहा ब्लू शर्ट में। ए, भगाओ इन्हें। ए, ये क्या दादा गिरी है? उठ, तेरी नाक से भी रास्पबेरी निकालूं क्या रे? बीवी से मिलता है तब कैसे हंसता है? पड़ोसन से? ऐसे ही हंस के दे।
ये इतने सारे बुड्ढे बैंक में क्या कर रहे हैं बे? अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता है? मर्जी स्कूल नहीं गया? तमीज सीख। जब पहले दिन माँ बाप तेरा हाथ पकड़कर नर्सरी ले गए तब तूने दुनिया देखी, अब उन्हें कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा करवा। माँ बाप के चरणों में ही जन्नत है। ए मैनेजर। हाँ रवि भाई। आउटगोइंग चालू रख, हाथ रुका तो तेरी धड़कन रुकेगी। शुक्रिया बेटा। भाई सबको दे दिया। कन्फर्म? गुड बॉय। खुश ना? ऑल हैप्पीज। बेटा हमारी मानो तो कुछ पैसे तुम भी रख लो। मैं आप लोगों से डायरेक्ट पैसे नहीं ले सकता, वो दिन दूर नहीं जब मेरी शादी होगी। अभी रख लीजिए, लिफाफे में देना। ठीक है, ठीक है। तेरा व्हाट्सएप रात को 4 बार देखा। तुमको साहब बुला रहे हैं, चलो। साहब बुला रहे हैं, डसेंगे तो नहीं। बोला साहेब। अरे तुमको साहब बुला रहे हैं, चलो। साहब मतलब कमिश्नर? नहीं, डीएसपी? नो नो। डीआईजी? अरे नहीं बाबा। डीजी? नहीं ना। ओरजी? अरे नहीं रे। न्यूगोजी? होम मिनिस्टर ने बुलाया, चलो। मिनिस्टर? नमस्ते सर। आदावर जाएं। मेरे भाई पे हाथ उठाया, दुनिया से उठा दूंगा। Oh God। मैं तो गुजरात वापस जाता हूँ। चलो मंडली। ए रवि, क्या हुआ? क्या बोला तू उसको? कुछ नहीं। अरे उंगली दिखा दिखा के धमकी दे रहा था। मैं काय को दूंगा? तो उसके सामने पतंग क्यों उड़ाया? ओ डायलॉग सुने नहीं? तो एंट्री से शुरू करते हैं। है? नमस्ते जी। आधा वर्ष मेरे भाई को मारा तूने, तू तो गया। मन न पता होता कि ये दाढ़ी वालों थारो भाई है तो ये मुंडी थारी होती। पूरा शहर थारे कदमों की धूल चाटे हैं और थारे भाई को मैं धूल चटाऊ? आपने ऐसा सोचा कैसे? सबके लिए थारा रुतबा होम मिनिस्टर का हुए और माचा साठी नाई, तुसी मेरे रोल मॉडल, मेरे अन्नदाता। थारी फोटो लोग पिछू की जेब में रखते हैं लेकिन मैं बाईपास की जगह रखता हूँ। देखेगा देखेगा देखेगा। अगर दोबारा मुझ पर शक किया तो सर धड़ से अलग होगा। भाई को समझा दे। समझाऊं डाक? हमें तमाकी भालोवासी हूँ, प्रेम करू छू तने। तू भी इसे प्रेम कर। दोबारा मुझ पर शक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज। ओके प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सप्रेशन बदल लो। ये लोग समझ गए तो? तुम जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाए तो जाहिल नेता की अनपढ़ पब्लिक कहाँ समझेगी? जरा उनके रिएक्शन तो देखो।